हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड अरे गुड मॉर्निंग नहीं है भाई, गुड इवनिंग इवनिंग सर। है। खैर, कहाँ थे लास्ट क्लास में? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आर्य राज, यस सर। ओके। नाउ वी स्टार्ट। चलिए, लास्ट क्लास में क्वेश्चन ले रहे थे, वो क्या क्वेश्चन था मुझे पूरा हुआ नहीं था। किसी बच्चे ने बोला भी था कि कंप्लीट नहीं हुआ है। वाई इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स इन टू कॉट इनवर्स माइनस एक्स था, यही क्वेश्चन था ना? अच्छा, ये बताओ, बोर्ड क्लियर दिखाई देता है क्या मेरा? यस सर, कंप्लीट दिखाई देता है। यस सर। लेकिन यार, ये वीडियो मैं अपलोड करता हूं उस पे, क्या नाम है, यूट्यूब पे, तो बड़ा डिस्टरबेंस कैसे आता है उसमें? फ्रीज हो गया है, वीडियो क्या हो गया है? फ्रीज हो गया है। वीडियो तो अभी आ प्लीज रहा नहीं है, हुआ सर, सर हट चुके हैं। मैं साइड हट चुका हूं। नहीं, ये क्या दिक्कत आती है कि जब इसी वीडियो को मैं डालता हूं उसके ऊपर यूट्यूब पे, जैसे मैंने आज वीडियो डाला था लिमिट्स का, तो कुछ बच्चों का कंप्लेन आया था एक वीडियो में। पहले तो नहीं आया था, लेकिन आज आया कि सर बड़ा खराब दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, कोई लेक्चर बताएगा? 8 था ना, हाँ, लेक्चर 8 था सर ना हम आपका। तो ठीक तो आया था। लेक्चर 8 का तो प्रीमियर चल रहा है मेरा अभी। लेक्चर 7 सर था। हम लिमिट्स हेलो, का सर लेक्चर 8 डाले हैं आप? यस सर, सेवन सेवन यस 7 डाले सर। हम देखी हूँ ठीक आया, ज्यादा खराब नहीं है। 360p पे क्वालिटी पे अच्छा, मतलब दिखने भर अच्छे से दिख जाता है। नहीं, कुछ बच्चों ने लिखा, मतलब कमेंट, सब बच्चे को तो जो भैया लगेगा वही लिखेगा ना, यस सर। बच्चों को तो जो लगेगा बच्चा वही लिखेगा। आप सर लोग, मार्कर को थोड़ा बोल्ड कर दे, बोल्ड करके लिखा करिए तो हो जाएगा शायद। हाँ, ये कुछ सही आइडिया दिया आपने, मार्कर को थोड़ा बोल्ड करके लिखें। और बीच सर बीच में वीडियो फ्रीज हो जाता है। सर वो कैमरा, बेटर कैमरा से रिकॉर्ड कीजिएगा तो बेटर आएगा। शायद फोन से कर रहे हो, उसी कारण हो रहा होगा ऐसा। सर वीडियो ठीक चल रहा है सर, वो वाला क्वालिटी ठीक है, कौन से कैमरे से करूं? उसके मतलब 360 पे क्लियर दिख रहा है सर आपका वो लेक्चर 7। किसी ने कोई कहा कौन से कैमरे से करूं डाउन रिकॉर्ड? पिक्सल बेटर हो, फोन के कैमरे से सर ज्यादातर ऐसा होता है अच्छा, नहीं तो मेरे पास तो DSLR भी है एक्चुअली। मैंने मेरे आईफोन सर। से, उसी से किया कीजिए कीजिए तो उसी से करिए, ज्यादा सर। बेटर रहेगा। नहीं, मेरे पास अभी सैमसंग Galaxy A70s से रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। वो भी ठीक है सर। अच्छा फोन है वैसे यार वो, यस सर। एक Galaxy A70s। फोन फोन होता हाँ सर, एक फोन में प्रॉब्लम होता है सर वीडियो बनाने में। हाँ बात सही कह रहे हो आप। ये अच्छा, एक बात बता दूं आपको, अब 40 मिनट से एक बच्चा है मेरे को बाजार समिति सेंटर का, वो बच्चे ने मेरे को लाइसेंस दे रहा है, वो एक्चुअली जूम का, तो वो फिर अनलिमिटेड कितनी देर कर सकते हैं अपन लोग क्लास। अब क्लास 40 मिनट का नहीं होगा, कल से मैं उससे एक बार कल बात करूंगा उससे फाइनल, तो वो मुझे दे रहा है, मतलब उसका लाइसेंस मुझे दे रहा है, उसने लाइसेंस ले रखा है जूम का, तो कल से क्लास शायद लंबे लंबे होंगे हमारे, ठीक है सर। राइट? यस बेटर रहेगा सर। हाँ, कल से बीच में 40 मिनट वाला नहीं कटेगा, लंबा क्लास चलेगा, 1.5 घंटे वाला, मतलब 1 घंटे 20, 1 घंटे 30 मिनट का क्लास कंटिन्यू चलेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे एक और सजेशन चाहता हूँ, 2 मिनट, मैं अगर बोलूं कि अगर मैं अभी, देखिए यूट्यूब पे तो लाइव हो नहीं रहा एक्चुअली, 1,000 सब्सक्राइबर हो तो गया लेकिन अभी भी यूट्यूब परमिट नहीं कर रहा मुझे। लाइव नहीं हो रहा
नहीं, मेरा मेरा चैनल वेरीफाइड है ऑलरेडी, मेरे चैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके ऊपर राइट टिक का निशान आ रहा है, लेकिन शायद कोई और प्रॉब्लम हो, लेकिन उसकी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो तो यही है कि ओनली 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, एटलीस्ट यू हैव 1 सब्सक्राइबर, तो वो तो मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि स्टिल यू आर वेटिंग, अभी वो वेटिंग में डाल रखा उसने। शायद ये हो सकता है कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग यूट्यूबर बने हैं, तो इस चक्कर में उसने शायद वेटिंग में डाल रखा हो, मे बी यूट्यूब का एल्गोरिथम हिला पड़ा है सर। हाँ वही तो हम कह रहे हैं, यूट्यूब का एल्गोरिथम, वही बात हुआ है कि यूट्यूबर बहुत ज्यादा हो गए, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। हर घर में एक यूट्यूबर है सर। हाँ हर घर में आजकल तो जो मन करता है वही यूट्यूब बना का चैनल बना लेता है, आजकल तो स्टूडेंट भी बना रहे हैं, क्या करें, मतलब कुछ ना कुछ तो करता ही रहता ना बच्चा, चलो अच्छी बात है, उसके लिए अपन क्या करें, लेकिन मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ, सबका अपना अपना व्यू है कि, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नहीं तो हम लाइव क्लास ले लेते तो और भी बेहतर था, यूट्यूब पे भी लाइव ले लेते। लाइव क्लास लीजिए सर, अच्छा गए। अच्छा ये बताओ मुझे, फेसबुक लाइव में क्या डिस्टरबेंस होते हैं? नो सर। अगर फेसबुक पे लाइव क्लास लिया जाए, क्वालिटी में डिस्टरबेंस होगा सर। हाँ को सर देखने में क्वालिटी पे डिपेंड हो जाएगा। अच्छा, काफी बेहतर नेट चाहिए होगा फिर। नहीं मेरे पास तो ऑलरेडी अच्छा स्पीड का इंटरनेट है, फिर हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके मुझे प्रॉब्लम नहीं। चलो जूम पे ही चलते हैं फिर, जब तक यूट्यूब पे लाइव नहीं होता तब तक जूम पे ही पढ़ाते हैं, और क्या करें। सर जियो मीटिंग। जियो मीटिंग में क्या अच्छा है क्या? नहीं पता, इसी का कॉपी है शायद। हाँ इसी का कॉपी क्या हो, क्या वो फ्री है या फिर चार्ज ले रहा है जियो मीट? यूज नहीं किया सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। कितना सर? गूगल क्लासरूम भी अच्छा है। हाँ उसमें गूगल क्लासरूम भी बहुत अच्छा है। गूगल क्लास भी सर चाहिए। गूगल क्लास का तो शायद लाइसेंस लेना पड़ेगा शायद। यूज करिए कल। कल अभी जूम ही करते हैं, एक जूम से लेते हैं जूम। हमको तो जूम ही ठीक लग रहा है, बाकी यूज किए नहीं है अभी, कुछ पता नहीं है। जियो म्यूट मीट लाइसेंस नहीं रहता है। हाँ तो लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि मेरा भाई भी बनाया है उससे, तो वो ऐसा कुछ नहीं बोल करता है। तुम्हारा भाई पढ़ाता है? सर पढ़ाता नहीं है वो, मतलब ये ग्रुप बना हुआ है क्लास का। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैंने देखा था उसका, एक वो भी आया था, मैंने भी उसको सब्सक्राइब किया है। बड़ा अच्छा बताता है बच्चा। यस सर। चलो खैर देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपनिंग। गूगल मीट अच्छा। ओके जो भी हो, आप थोड़ा सा मुझे जो भी बच्चे देखते हैं तो मैं ये वीडियो शेयर करता हूँ, तो मुझे जरूर इनकी क्वालिटी पे कमेंट जरूर किया करिए कि अच्छा बुरा जो भी आपको लगे ना, बी फ्रेंक, आप उस पे क्वालिटी पे मतलब किया करिए आप, कि मतलब व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी क्या है, क्योंकि बच्चों के पास अगर क्वालिटी अच्छी नहीं जाएगी ना वीडियो की, तो बच्चा वीडियो देखना लाइक ही नहीं करता है, मैंने ये चीज नोट की है। करेक्ट सर, मार्कर काफी पतला है। ये तो नया मार्कर है भाई, मैं तो नया मार्कर का दीवाना हूँ यार। फिर भी सर वो पतला दिख रहा, उतना क्लियर नहीं दिख रहा, मतलब काफी पतला है, मतलब थोड़ा ठीक होना चाहिए। तो प्रधान विजन वाला मार्कर लेके आएंगे आप? यस सर, गायब कर लीजिए, 7 लाख रुपया कर लिया आपका। मोटा वाला। यस सर। चलिए 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 अब चला जाए, आप बहुत देर बात हो गई, थोड़ा सा मतलब ऐसे ही मैंने राय ली आपसे। करेक्ट, आप लोगों के भी लेक्चर भी डालूंगा, आईटीएफ के मैंने डाले नहीं अभी, एक्चुअली आईटीएफ पे मेरा अलग काम चल रहा है, तो मैं उसके वीडियो दूसरे मोड में डालने वाला हूँ। लिमिट्स पे मेरा काम नहीं चल रहा था, इसीलिए मैंने लिमिट्स के वीडियो डालना शुरू कर दिया। आईटीएफ में मेरा एक अलग काम चल रहा है, तो आईटीएफ के वीडियो में इस वाले नहीं डालूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा। करेक्ट,
So, अगली क्लास से मतलब जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद अगला जो चैप्टर लेंगे हम लोग उसके वीडियोस में डालूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि आगे के चैप्टर लिए जाएं अब। Yes. चलिए खैर whatever, लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी कि इसका रेंज निकालना था, तो मुझे पता है कि भाई cot inverse x, this is cot inverse x, और cot inverse minus x होता है pi minus cot inverse x, this is y। अब आपको पता है कि cot inverse x से किसके बीच में लाई करता है, जीरो टू पाई के बीच में लाई करता है, तो डेफिनेटली क्या होगा इसका जो ग्राफ होगा वो कहां लाई करेगा, ऊपर ही लाई करेगा। दैट मीन्स दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव और ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है रेंज निकालना है दैट मीन्स वी आर यूजिंग व्हाट, एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम, तो हम यहां पर एम जीएम लगा दें, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, एक नंबर है एक नंबर ये, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन निकाला, तो अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो दोनों का जोड़ के कितने का भाग देंगे साहब, दो का पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहां पर क्या मिलेगा इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा, कॉट इनवर्स एक्स इन टू कॉट इनवर्स माइनस एक्स माइनस टू, राइट। So from here, what is this? Cot inverse x क्या हो गया? Cancel? Yes sir. तो ये मिल गया pi by 2. Pi 2 greater than pi by 2 greater than this is cot inverse x. अच्छा sorry, ये under root नहीं लगाया इधर. तो इस तरफ square लगा दूँ, under root हटा देता हूँ. तो ये मिलेगा cot inverse कितना minus x. तो ये quantity मिल जाएगी मुझे pi square by कितना 4. So this is cot inverse x into cot inverse minus x. तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसकी मिनिमम है कि मैक्सिमम है? मैक्सिमम है। अरे भाई मैक्सिमम है कि मिनिमम है? मैक्सिमम सर। दिस इज लेस देन और इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4. तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितना होगा साहब? जीरो से बड़ा होगा। जीरो तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो हम कह सकते हैं कि जीरो से बड़ा होगा। तो आई एम सेइंग व्हाट, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, जीरो से बड़ा और पाई स्क्वायर बाय 4 से छोटा। आंसर और क्लास से लगा देने का, जीरो से बड़ा एंड पाई स्क्वायर बाय 4 से छोटा। जीरो से बड़ा एंड पाई स्क्वायर बाय 4 से छोटा। जीरो से बड़ा एंड पाई स्क्वायर बाई 4 से क्या हो गया छोटा, ये हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन लिया था और ये उसका आंसर है सर। क्वेश्चन और था सर, ले लीजिएगा उसको। अच्छा कौन शाश्वत बोल रहे हैं क्या? हाँ लेते हैं एक सेकंड, रुको एक बार लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ अगला क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1, देन फाइंड एक्स, देन फाइंड एक्स। दीजिए आंसर 30 सेकेंड। 1/5 वन बाई फाइव कंफर्म है क्या? सोच के बताइए आंसर। सोच के बताइए। वेरी गुड, आसान प्रॉब्लम है।
देखिए आसान सा प्रॉब्लम है, वैसे कुछ इसमें है नहीं। क्या करेंगे भाई? हाँ भाई, बाकी का स्टूडेंट बताइए क्या करोगे आप इसके अंदर, जल्दी से बताइए। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, इस साइन को इधर उछका दो, साइन को उधर उछका दोगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1? सर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। नहीं ये पाई बाय 2 होगा कि नहीं होगा? यस सर, ये पाई एक्स 1/5 हो जाएगा। ये पाई बाय 2 हो जाएगा, तो दिस इज साइन इनवर्स 1/5 बराबर पाई बाय 2 माइनस कितना, कॉस इनवर्स एक्स। और पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/5, तो एक्स इज इक्वल टू 1/5, एक्स इज इक्वल टू 1/5। अगला सवाल लिखिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखे साहब दो क्वेश्चन लेते हैं अपन एक साथ। लिखे साहब find the range of fx बराबर sin inverse x plus cos inverse x plus tan inverse x। दूसरा क्वेश्चन है कि find the minimum value of find the minimum value of sec inverse x का whole square plus cosec inverse x का whole square। solve करिए। सर पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 शायद करेक्ट आंसर है, शायद करेक्ट आंसर है। सर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर सेकंड वाला कोसेक है,
हाँ भाई हो गया, सेकंड वाला नहीं हुआ। ओके सेकंड करते हैं। अच्छा सेकंड टाइप का क्वेश्चंस 10 में भी क्रिएट होता है, यहाँ क्यूब भी बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आते भी हैं, आईटी एडवांस के हिसाब से बेहतर भी क्वेश्चंस हैं। सो आई एम टेकिंग द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले अगर आपको रेंज निकालना है तो डोमेन निकालना पड़ेगा। आप मुझे बताइए साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कितना? -1 से 1। इसका भी डोमेन कितना? -1 से 1। इसका डोमेन कितना? इसका सर आर आर। गुड। तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना? π/2 tan इनवर्स। लेकिन पाई बाई टू होता कब है? x belongs to -1 से 1। अब मुझे एक बात बताओ, आपको tan इनवर्स x के बारे में बात करनी है तो ये हमको पता है कि tan इनवर्स x का क्या निकालना है, हमको रेंज निकालना है। सॉरी tan इनवर्स x प्लस पाई बाई टू का क्या निकालना है? रेंज निकालना है। तो क्या करेंगे भाई साहब बताइए तो जरा। -1 निकाल देंगे, -1 निकाल देंगे सर। हाँ? तो वहां से रेंज निकल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि क्लोज इंटरवल है ना, क्लोज इंटरवल है मतलब लोअर वैल्यू पे लोअर मिलेगा, हायर पे हायर मिलेगा। तो दैट मींस आई एम सेइंग व्हाट, एफ ऑफ कितना? 1 बराबर पाई बाई टू प्लस टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 का वैल्यू π/4। पाई बाई टू प्लस कितना? टेन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना? π/4। बराबर 3π/4। एफ ऑफ कितना? -1 बराबर कितना? π/2 प्लस टेन इनवर्स -1। एंड टेन इनवर्स -1 इज व्हाट? -10 इनवर्स 1। तो ये मिलेगा π/2 -π/4। π/2 माइनस कितना मिलेगा? π/4। तो π/2 -π/4 कितना मिलेगा भाई? π/4। π/4 तो आंसर कितना आ जाएगा? π/4 से 3π/4। सेकंड वाला नहीं बन रहा। हाँ बना लेते। अच्छा सवाल है, π/4 से 3π/4। ये आपको बाजार की किसी भी किताब में ये क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा, मार्केट की किसी भी बुक में ये क्वेश्चन दिखाई देता है। जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए। नाउ वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी भाई, क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वाई बराबर ये ए स्क्वायर प्लस क्या है? बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो साहब? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना? 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप बताइए साहब y बराबर क्या लिखेगा? ए प्लस बी इज व्हाट? sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। यस सर। एंड व्हाट अबाउट दिस? दिस इज π/2। यस सर। माइनस कितना? 2 टाइम्स a का वैल्यू कितना? sec इनवर्स x। sec इनवर्स x इनटू कितना? cos इनवर्स x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? दिस इज π/2 -2 sec इनवर्स x। cos इनवर्स x को लिख दिया π/2 sec इनवर्स x। यस। कौन से फॉर्मूले से? sec इनवर्स x + cos इनवर्स x = π/2। तो मैंने यहां से फिर से cos इनवर्स x को लिख दिया π/2 sec इनवर्स x। अब ये इक्वेशन sec इनवर्स x में क्वाड्रेटिक बन गई। सो y = π/2 -2 sec इनवर्स x into π/2 -2 sec इनवर्स x का होल स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। y बराबर दिस इज व्हाट? -2 sec इनवर्स x का होल स्क्वायर -sec इनवर्स
सॉरी पाई इंटू सेक इनवर्स एक्स एंड प्लस पाई स्क्वायर बाई फोर। क्या ये यहां तक का मामला आपको समझ में आ रहा है? यस सर। सब क्या करेंगे भाई, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सेक इनवर्स एक्स। सेक निकाल देंगे, सेक एक्स निकाल। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सेक इनवर्स एक्स। तो सॉल्व करिए भाई, परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन बनाइए इसको, इसको जल्दी से उतार लीजिए आप, इसे परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन बनाइए आप। हो गया भाई, अरे प्लस होगा रे, बोलिए ये बनेगा क्या सर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में? हाँ बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। देखिए दिस इज पाई स्क्वायर बाई फोर, करेक्ट, ये पहले लिख दिया प्लस, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो दो बार ले लिया, तो यहां कितना बन जाएगा सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इनमें दो कॉमन ले लिया तो ये क्या बनेगा पाई बाई टू इंटू सेक इनवर्स एक्स। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं याद करिए आप लोग, ये मैंने आपको सिखाया है, इसका आधा कितना सेक इनवर्स एक्स, कैसा साइन माइनस, इसके गुणांक में कितने का भाग दो का, तो पाई बाई फोर का क्या होल स्क्वायर। अब यहां पर भूल चूक लेनी देनी, तो ये प्लस का पाई स्क्वायर बाई 16 आएगा, तो इसे बैलेंस करने के लिए माइनस का पाई स्क्वायर बाई 16 लिखना पड़ेगा। सो व्हाट अबाउट दिस वैल्यू, दिस इज पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 टाइम्स सेकंड वर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का पाई स्क्वायर बाई 8। सो व्हाट अबाउट दिस, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा पाई स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स सेकेंड वर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, तो आ तो गया आंसर भाई। अगर सेकेंड वर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 जीरो हो जाए तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया पाई स्क्वायर बाई कितना 8, सो वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना पाई स्क्वायर बाई 8, द मिनिमम वैल्यू इज पाई स्क्वायर बाई 8। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। द मिनिमम वैल्यू इज पाई स्क्वायर बाई 8 आ गया हमारा आंसर, जल्दी से कॉपी कर लो भाई इसको। अब एक बच्चा है शाश्वत, उसने क्वेश्चन भेजा था, वो थोड़ा सॉल्व करते हैं। वैसे आप डेली क्वेश्चन भेजोगे तो मैं इस क्लास में नहीं सॉल्व करूंगा, वो अगर डेढ़ घंटे की क्लास हो जाएगी तो सॉल्व करूंगा, लेकिन आज बच्चे ने भेजे हैं तो उसको आइडिया दे देते हैं, वो सॉल्व कर लेगा, क्योंकि एक बच्चा क्वेश्चन भेजता है तो फिर बाकी लोग भी फिर यही आदत बना लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको अपने टाइम के हिसाब से आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं उसी पे भेज दूंगा सॉल्यूशन। क्योंकि इस ग्रुप में डिफरेंट बच्चे जुड़े हुए हैं,
कोई वो बच्चे भी जुड़े हुए हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, वो बच्चे भी जुड़े हुए हैं जैसे रीजन क्लासेस के बच्चे जुड़े हुए हैं इसमें, वो बच्चे पढ़ चुके हैं एग्जाम भी दे चुके हैं, और पार्थ आश्रम के बच्चे वो हैं वो जो इस बार पहली बार एग्जाम देंगे, तो फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। खैर ले लेते हैं उनका आज, ठीक है। कल अपना शायद बड़ा क्लास होगा होपफुली, हालांकि बच्चे ने मुझे आईडी और पासवर्ड भेज दिया है लेकिन मैंने आज शुरू नहीं किया उससे। आईडी पासवर्ड जूम का आईडी और पासवर्ड, क्योंकि उसके पास लाइसेंस उसी के नाम है ना, ये लाइसेंस तो, ये तो फ्री का चल रहा है 40 मिनट वाला, तो आप भी बना सकते हैं अपने घर पे जूम, लेकिन जो मैंने बोला कि जो 1.5 घंटे वाला है तो उसका आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा ना फिर बच्चे को, बाकी लोगों को भी देना पड़ेगा। चलिए मिटाया जाए इसको। अच्छा इस पे क्वेश्चन दे दूं, आप करो तो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूं, फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स की पावर 3 प्लस कॉट इनवर्स एक्स की पावर 3। आइडिया बता देता हूं, दिस इज, इसमें लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब वो बच्चा शाश्वत ने क्वेश्चन भेजे हैं वो देखते हैं जल्दी से। अरे शाश्वत कहां भेजे थे क्वेश्चन तूने? ग्रुप में सर, ग्रुप में। अच्छा ग्रुप में, ओके। ग्रुप किस नाम से बना हुआ है यार, बिट्टू वाले है क्या? यस सर, यस यस, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। एक क्वेश्चन है भाई, ये लिख लिया ना आपने, इसको सॉल्व करके ना कर रखना। क्वेश्चन है ये कि सॉल्व फॉर एक्स, सब लोग लिख लो, आसान सवाल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का है। सॉल्व फॉर एक्स इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स साइन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स बराबर 1, वेयर दिस डब्बा डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वेयर दिस डब्बा डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये आसान सवाल है यार, देखिए मुझे एक बात बताइए आप, अगर किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, अगर किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, इसका क्या मतलब है कि वो क्वांटिटी 1 और 2 के बीच में है। लेकिन मुद्दे की बात है कि बाहर में कौन लगा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स लगा हुआ है, और इसकी मैक्सिमम औकात कितनी है, पाई बाई 2। नहीं समझे मिस्टर शाश्वत, आपका डाउट है जरा समझिए जल्दी से। मैंने कहा कि अगर किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू अगर मान लीजिए 1 है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 1 से लेकर कितना है, 2 है। हेलो, यस सर, शाश्वत समझ रहे हैं आप? हाँ सर। अब बाहर में ये हमारा डाटा है, ये वाला, अगर इसका वैल्यू 1 है तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाओगे तो इसका मान 1 से 2 आता है,
लेकिन साइन इनवर्स एक्स का जो मैक्सिमम रेंज होता है वो पाई बाई टू होता है। अरे बोलो ना भाई। यस yes. तो क्या करोगे बाबा? यस सर। क्या लिखोगे? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स टैन इनवर्स एक्स इज लाइज बिटवीन वन से पाई बाई टू, वन से पाई बाई टू, और पाई बाई टू पे क्लोज आएगा कि ओपन आएगा? पाई बाई टू पे क्लोज आएगा कि ओपन आएगा भाई? क्लोज होगा। साइन इनवर्स एक्स में पाई बाई टू क्लोज होता है, पाई बाई टू क्लोज होता है। yes. अब एक एक करके सॉल्व करते जाओ। आपको यह पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, तो इसको इधर उचकाओ, इधर उचकाओ, इनइक्वालिटी बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। तो इधर कितना बोलिए, साइन इनवर्स इधर आया तो साइन वन होगा कि नहीं? yes, इधर बोलिए। yes. इधर कौन है भाई? कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स। इधर कौन भाई? साइन इनवर्स इधर गया तो साइन पाई बाई टू कितना? वन। वन। अब बताओ, अब कॉस इनवर्स को उचकाओगे कि नहीं उचकाओगे? yes. बोल तो सही, यस और नो? Yes, cos inverse x इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग सर। देयर इज नो रिप्लाई। साइन सर बदल दो। साइन बदल दो। साइन बदल दो। तो इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा? cos ऑफ साइन वन। इनइक्वालिटी बदल जाएगी, दिस इज साइन इनवर्स tan इनवर्स x ग्रेटर देन, इधर कितना चला जाएगा? cos 1। इसी प्रकार से sin इनवर्स को उचका दो, इसी प्रकार से tan इनवर्स को उचका दो। आगे वाला तो दोनों ही इंक्रीजिंग फंक्शन है, sin भी, sin इनवर्स भी इंक्रीजिंग है, tan इनवर्स भी इंक्रीजिंग है। आपका आंसर आ जाएगा भाई इससे? यस मिस्टर शाश्वत, इफ यू हैव डाउट देन अगेन यू आस्क मी। हो गया सर, मतलब वही पाई बाय टू जो आप लिए ना सर, वही दिक्कत। ये लॉजिक समझ में आया कि पाई बाय टू क्यों लिया? देखिए, जैसे जैसे मान लीजिए मैंने यहां समझाया कि दिस इज वन से टू, लेकिन जैसे मान लीजिए किसी आदमी की औकात पाई बाय टू ही है, तो क्या वो अपनी अपनी प्रिंसिपल रेंज से ज्यादा वैल्यू ले सकता है क्या? कभी नहीं ले सकता। सो उतार लीजिए इसको, एक और क्वेश्चन था आपका। बता दूं? यस सर। एक सेकंड सर। अगला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर साइन इनवर्स वाई का होल स्क्वायर प्लस टू साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स वाई बराबर पाई स्क्वायर।